नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और रैपिड फायर सीरीज में, जो आपके यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस तैयार करने के लिए और ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। ध्यान रखेंगे इसमें आपके रैपिड फायर सीरीज में आज जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर है आपका साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम के बारे में अगर मैं बताऊं तो साइबर क्राइम जो है वो साइबर क्राइम आपका इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से किया गया कोई भी अपराध, वो किस श्रेणी में आता है, आपके साइबर क्राइम में आता है। साइबर अपराध एक अवशिष्ट शक्ति है। ध्यान रखेंगे जब संविधान बनाया तो कुछ कुछ चीजों को अवशिष्ट शक्तियों में डाल दिया गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र के पास होगा। तीसरा क्वेश्चन है साइबर अपराध का कारण क्या है, डिजिटल जागरूकता की कमी, प्रभावी कानून का अभाव या तकनीकी अधिकारियों या कर्मचारियों की कमी। तो जाहिर सी बात ये सारे आपके क्या हैं, इस साइबर अपराध के कारण है। साइबर अपराध का रोकथाम करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय जो है वो डिजिटल जागरूकता है, यानी आपका आंसर यहां पर ए हो जाएगा। साइबर सुरक्षा नीति कब लाई गई, तो साइबर सुरक्षा नीति लाई गई आपके 2013 में। इसी साइबर सुरक्षा नीति के तहत NCIIPC का गठन किया गया, जो बेसिकली आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को सुरक्षित करने की बात करता है, अगर आपका कोई भी डेटा हाईली कॉन्फिडेंशियल है तो। चलिए, साइबर अपराधों की जांच और रोकथाम के लिए भारत में जो प्रमुख एजेंसी है वो है आपका CERTIN, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो होता है वो आपका इंडिया में काम करता है। साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी पहल निकाली गई, तो वो साइबर जागरूकता सतर्कता कार्यक्रम आपका जो है ये चलाया गया। ध्यान रखेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र भी चलाया गया, जिसका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि किस चीज के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट उपयोगकर्ता जो है ना उनको सुरक्षित करने का काम किया गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी मिली, तो 9 जून 2000 को मंजूरी मिली थी। इसी को अगर बात करी जाए पूरे भारत में लागू किया गया था, तो ये आपके 17 अक्टूबर 2000 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में अगर बात करूं मैं, तो इसमें संशोधन आपका 2008 में किया गया, बाद में एक संशोधन आपके 2009 में हुआ जो डिजिटल सिग्नेचर को लेकर के था, जो डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल हस्ताक्षर की बात करता था उसके संशोधन की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 13, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में कितने अध्याय हैं, तो ध्यान रखेंगे 13 अध्याय और 94 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, BN कृष्णा समिति, जो बेसिकली आपके एक साइबर सुरक्षा को लेकर के एक समिति है, BN कृष्णा समिति का गठन जो है वो आपके 2018 में किया गया था, और BN कृष्णा समिति किस चीज को लेकर के है, तो डाटा के संरक्षण को लेकर के ये आपका एक कृष्णा समिति बनी थी। BN कृष्णा समिति ने अपनी रिपोर्ट आपके जुलाई 2018 में सौंपी थी। साइबर अपराध से संबंधित हेल्पलाइन नंबर आपका 1930 है। साइबर का पहला, यानी भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आपका बेंगलुरु शहर में, भारत का उत्तर प्रदेश में पहला साइबर अपराध का जो पुलिस स्टेशन है वो आपका कहां खोला गया, तो नोएडा में। साइबर अपराध का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। उत्तर भारत का पहला राज्य जहां के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। साइबर अपराध की शिकायत के लिए आप किस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, तो cybercrime.gov.in, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइबर सर्वाधिक साइबर अपराध वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब तेलंगाना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने साइबर पुलिस स्टेशन, तो 18 मंडल में आपके साइबर पुलिस स्टेशन है। अभी ध्यान रखेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए पुलिस स्टेशन स्थापित करने की बात, तो 57 पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योगी आदित्यनाथ ने अधिसूचना जारी कर दी है। निम्नलिखित में से किस धारा के तहत कंप्यूटर संसाधन में छेड़छाड़ किया जाता है, तो धारा 65 यहां पर हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कंप्यूटर में अगर जो स्टोर्ड डेटा है, संग्रहित डेटा है, उससे छेड़छाड़, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, धारा 66। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है गलत सूचनाएं भेजने पर किस धारा के तहत सजा है, तो ये है आपका 66 बी। क्वेश्चन नंबर 29 में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की चोरी होती है, तो ये आपका 66 बी के अंतर्गत आ जाता है आपका 29 का बी आंसर।
30 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो 30 नंबर के क्वेश्चन, पहचान की अगर चोरी होती है तो इसमें आपका जो होगा वो 66C आ जाएगा। अगर आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करी जाती है तो व्यक्तिगत पहचान हुआ कर अगर संदेश भेजना किस धारा के, यानी व्यक्तिगत जो पहचान है ना उसे बात करेंगे, उसे छुपाकर अगर आप कोई संदेश भेजने का काम करते हो तो वो जो आता है आपका वो 66D के अंतर्गत अपराध है। चलिए, निजता का भंग, अगर किसी के निजता का भंग कर रहे हो तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो 66E के अंतर्गत आता है। ठीक है, साइबर आतंकवाद 66F आपको पता ही है साइबर आतंकवाद के बारे में। आपत्तिजनक अगर संदेश और अश्लीलता किसके धारा के अंतर्गत आता है, तो 34 नंबर में आपका जो हो जाएगा जवाब वो हो जाएगा आपका धारा 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर अश्लील सूचनाएं भेजने पर किस धारा के अंतर्गत, तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका 67A आ जाएगा। बाल अश्लीलता जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है वो आपका किसके अंतर्गत आता है, तो 67B के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं आपके 37 में मध्यस्थ सूचना, या अगर इंटरमीडिएटरी सूचनाओं को आप बाधित कर रहे हो ना, तो वो किस धारा के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखेंगे वो धारा के अंतर्गत आता है आपका 67C के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धारा 70 के अंतर्गत क्या अपराध है। धारा 70 के अंतर्गत सुरक्षित कंप्यूटर संसाधनों में अगर आप अनाधिकृत प्रवेश करते हैं तो वो एक अपराध है। धारा 71 का मुख्य उपदेश उद्देश्य क्या है, तो डेटा को और आंकड़ों को गलत तरीके से आप अगर प्रस्तुत करते हो ना तो ये आपके 71 के अनुसार अपराध है। धारा 72 के अनुसार कौन सा कृत्य दंडनीय है, तो अगर आप किसी के निजता का उल्लंघन कर रहे हो और किसी का आपसी विश्वास तोड़ रहे हो तो वो आपके बी आंसर में आ जाएगा। 41, 72A क्या होता है, 72A होता है डिजिटल माध्यम से किसी जानकारी का अनाधिकृत प्रकटीकरण, यानी अनाधिकृत कोई भी जानकारी आप एक्सप्रेस कर दे रहे हो। 42 नंबर के क्वेश्चन में धारा 73 जो होता है वो नकली डिजिटल हस्ताक्षर बनाने की बात होती है, यानी 42 का आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं, फिशिंग क्या है। फिशिंग एक प्रकार का ऑनलाइन धोखाधड़ी है, ध्यान रखेंगे अगर आप किसी तरीके की ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हैं तो ये आपका फिशिंग कहलाता है। साइबर बुलिंग क्या है, अगर सोशल मीडिया साइट्स पर आप किसी का मजाक बना रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, किसी को ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन किसी का मजाक बना रहे हो तो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, वो आपकी आती है साइबर बुलिंग में। हैकिंग क्या होती है, तो हैकिंग जो होती है अगर किसी डिजिटल या इंटरनेट माध्यम से आप किसी की गोपनीय जानकारी तक अगर पहुंच जा रहे हो तो उसे हैकिंग कहते हैं। स्पूफिंग क्या कहलाती है, स्पूफिंग होती है कोई और व्यक्ति होने का दिखावा करके जानकारी हासिल अगर आप कर ले रहे हो तो वो आंसर आपका 46 का बी हो जाता है। अगर मैं बात करूं 47 नंबर के क्वेश्चन में, तो स्पैम ईमेल क्या है, अगर कोई अनवांटेड ईमेल जाता है आप पे, संदेश जाता है, तो वो आपका क्या आता है, वो आपका आता है वांछित संदेश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48, साइबर स्टॉकिंग क्या है, अगर किसी का पीछा कर रहे हो, किसी का आप किसी पर नजर रख रहे हो, किसी की गतिविधियों पर, तो वो साइबर स्टॉकिंग हो जाता है जो एक गंभीर साइबर अपराध है। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होते हैं, मान लो मेरे बिना अनुमति के मेरे सॉफ्टवेयर को आपने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, वो सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंतर्गत अपराध है। डेटा डिलीटिंग क्या होता है, मेरी बिना परमिशन के आप मेरे डेटा को क्या कर ले रहे हैं, आप मेरे डेटा को बदल दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है आपका, वो डाटा डिलीटिंग कहलाता है। तो इसी तरीके के और रैपिड राउंड सीरीज में आप लोग जुड़ते रहें, मैं एक एक दिन एक एक चैप्टर आपको ले आता रहूंगा जो आपके यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।